बालक फड़क रहा है तो माँ को तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा को मां अपराध करके नहीं मानती है, बल्कि उसको उसके द्वारा भी उसको आनंद होता है। माने माँ को यह अनुभूति होती है कि चलो मेरे गर्भ में मेरा बालक पल रहा है, वो हिल रहा है, वो जीवित है, वो बढ़ रहा है। तो यद्यपि माँ के गर्भ में बालक लात चला रहा है, उत्क्षेपण कर रहा है, घूम फिर रहा है, परंतु घूम फिर होने पर भी माँ को पीड़ा भी हो रही है, परंतु पीड़ा होने पर भी जैसे माँ उसको उत्क्षेपण गर्भगत से बालक से गर्भगत जो बालक है उसके उत्क्षेपण को माँ बुरा मान करके नहीं मानती है, बल्कि उससे आनंदित होती है। इसी प्रकार हमने आपके का अपराध किया है, आप हमारी बात का बुरा थोड़ी मानोगे, माँ कोई अपने बालक की लाज चलाने का बुरा थोड़ी मानती है। तो मैंने भी यदि आपके बछड़ा बालकों को चुरा लिया है, सखाओं को चुरा लिया है, तो आप बुरा थोड़ी मानोगे। भगवान तो जैसे नाराज होकर के मनी मन में विचार कर रहे, बोले जा ये बात अपनी मैया से कहना, तेरी मैया तो नारायण है, नारायण से तेरा जन्म हुआ है, तो नारायण से कह। इस बात का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले नहीं महाराज ऐसा मत कहिए, कर नारायण अलग है, आप अलग है, आप नारायण अलग थोड़ी है, नारायण स्पम नहीं, क्या आप नारायण नहीं है, आप भी तो नारायण ही है, नारायण और आप तो अलग अलग नहीं है। भले आप यहां स्वस्वरूप में विराजमान है और आपने ऐश्वर्य में स्वरूप के रूप में नारायण ओम के अंश के रूप में कारणशाही श्री संकर्षण को प्रकट कर रखा है, परंतु नारायण आप ही है, तत्वता आप में नारायण में अंतर नहीं है। तो नारायण स्पन नहीं सर्वदेही नाम आत्मा से, क्या आप जितने भी जीव हैं उनकी आत्मा नहीं है, अर्थात आप भी सबकी आत्मा होकर के विराजमान है। अधीश अखिल लोक साक्षी, आप अधीश भी हैं, स्वामी भी हैं और सारे लोकों के साक्षी भी हैं, संपूर्ण देह उनके साक्षी, संपूर्ण जीव उनके भी साक्षी होकर के आप विराजमान हैं। आप ही नारायण हैं, आप ही जितने भी देहधारी हैं उनकी आत्मा है और आप अखिल लोक साक्षी, जितने भी लोक हैं उनके भी, जितने भी जीव उनके भी साक्षी होकर के आप विराजमान हैं, अखिल लोक साक्षी। नारायण ओम नम, महाराज नारायण को तो सच ये कहा जाएगा कि नारायण आपके अंग है, नारायण आपके अंश होकर के विराजमान है। नर हो चलाए ना, आपका जो अंश नर भू, नर माने श्री संकर्षण भगवान, नरिष्यते इति नरः, जिनके गुण कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे जो संकर्षण, उन संकर्षण से उत्पन्न होने वाला जो जल, नर भू जल, नर से भू माने उत्पन्न जो जल, उस जल में आप शयन करने के कारण नारायण है। तो नर भू नारायण अंग, नारायण आपके अंग है, जो नारायण नर भू जलायना संकर्षण से उत्पन्न होने वाले जल में ही संकर्षण रूप में शयन करते हैं। पहले वे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद में उनके शरीर से ही पसीना पैदा होता है, उस पसीने से वो ब्रह्मांड आधा आधा भर जाता है, उस आधे भरे हुए ब्रह्मांड में ही जो गर्भोदय है उस गर्भोदय में ही वे शयन करते हैं। जब शयन करते हैं तो उनकी नाभि से ही कमल उत्पन्न होता है, कमल में चोध है, गांठें कमल की नाल में बनती है, वे चोध है गांठें ही चोध है लोक हो जाते हैं। उनके ऊपर उस ब्रह्मांड कमल के सबसे ऊपर श्री ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और वे ब्रह्मा को भी उपदेश देते हुए विराजमान होते हैं।
श्री नारायण वे आपके अंश होकर के विराजमान है, उनको नारायण इसलिए कहा जाता है कि नरभू जलायना, नर माने श्री संकर्षण, उनके शरीर से उत्पन्न श्री प्रद्युम्न, संकर्षण प्रद्युम्न जो प्रद्युम्न नर है, प्रद्युम्न उन प्रद्युम्न के शरीर से उत्पन्न होने वाला जो जल है, नरभू जल मनुष्य से उत्पन्न होने वाला, नर से उत्पन्न होने वाला जो जल है, उन नारायण से उत्पन्न होने वाला जो जल है उसमें अयना, उनमें वे शयन करते हुए विराजमान है। तच्चाप सत्यम, मैं मानता हूं कि वे गर्भोत्साही श्री प्रद्युम्न वे भी सत्य ही है, न तवैव माया, वे आपकी माया नहीं है, वे भी सत्य होकर के भी विराजमान है। तो आप नारायण ही है, नारायण आपसे भिन्न नहीं है। यहां पर प्रसंग जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि भगवान श्री यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सोच्य तन्वा, इसी में शनिश्वरी पूर्ण जाए भगवान सत् स्वयं है, छह ऐश्वर्य से पूर्ण आप ही भगवान है। अब भगवान कौन, इसकी व्याख्या करने की का प्रसंग आया तो उसमें ये बात आई कि श्री कृष्ण उनके ही तदेक आत्मरूप है श्री नारायण, जो महावैकुंठ परम व्योम वैकुंठ के स्वामी होकर के विराजमान, उन नारायण के ही अंश रूप होकर के संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तीन पुरुष उत्पन्न हुए। प्रथम पुरुष है संकर्षण जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, और कारण समुद्र में शयन करते हुए प्रकृति की ओर देखते हैं, प्रकृति की ओर देखने पर प्रकृति से 23 तत्व प्रकट हो जाते हैं, परंतु वो 23 तत्व प्रकट होने पर भी अभी वो 23 तत्व मिल नहीं पाए, तो वे ही श्री नारायण उन 23 तत्वों में आप जब व्याप्त तो होते हैं तो वे 23 तत्व मिलकर के एक अंड बन जाते हैं। जैसे रसोई में बेसन भी है, तेल भी है, घी भी है, नमक भी है, जीरा भी है, पर उनको मिलाने के लिए किस चीज की जरूरत है, पानी की। पानी जब तक नहीं बनेगा मिलेगा तब तक वो जो आटा है बेसन वो मिलकर के एक रूफ नहीं बनेगा, वो उसका एक समूह वो नहीं बनेगा। ऐसे श्री नारायण ने जब प्रवेश किया उन 23 तत्वों में तो 23 तत्व मिलकर के वे 23 तत्व मिलने की क्षमता को प्राप्त हुए, परंतु एक पूरी बहुत बड़ा इतना बड़ा बहुत बहुत बड़ा वो जैसे एक इकट्ठा वह एक ढेर बन गया, एक कहते लूफ वो एक पूरा नौता बन गया पूरा। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे छोटी छोटी सी लोई माताएं उसमें से तोड़ लेती है, उसको बेल करके छोटी छोटी सी लोई बना लेती है, ऐसे ही सृष्टि के 23 तत्व मिलकर के पूरी एक खदान बन गए। उस खदान में से जैसे कुम्हार छोटी छोटी सी मिट्टी लेकर के, मिट्टी के छोटे छोटे लौदा लेकर के और उनको चाक के ऊपर रख करके फिर उससे उल्हर सकोरे बनाता है, पूरी खदान से थोड़ी बनाएगा, खदान में से थोड़ा थोड़ा लेता जाएगा और उनसे घटता जाएगा। ऐसे ही भगवान ने छोटे छोटे से लौदे बनाए, वही हो गए अनंत कोटि ब्रह्मांड। अब श्री संकर्षण भगवान के हृदय में शयन करने की इच्छा आई, जब शयन करने की इच्छा आई तो लीला शक्ति ने ही जैसे छोटे छोटे से लौदे बना दिए, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए, छोटे छोटे लोई बना दी। श्री संकर्षण भगवान आप एक दूसरा स्वरूप धारण करके, प्रद्युम्न स्वरूप धारण करके उन अलग अलग ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश कर जाएंगे प्रद्युम्न रूप में। तो प्रद्युम्न कोई अलग वस्तु नहीं है, संकर्षण ही अनंत स्वरूप धारण
धारण करके जैसे अपने शैया भवन रूप शयन भवन रूप उन अनंत कोट ब्रह्मांडों में पुनः प्रवेश कर जाएंगे, पुनः प्रवेश कर जाएंगे और वे जब कृपा करेंगे तो कृपा करने पर जो 23 तत्व सूक्ष्म रूप में विराजमान थे वे 23 तत्व भी उनकी नाभि में श्री प्रद्युम्न भगवान उनकी नाभि में वे 23 तत्व मिलकर के एक हिरण्य गर्भ बन जाएंगे। जैसे गर्भ होता है ऐसे ही हिरण्य गर्भ एक चमकीले गर्भ के समान वो विराजमान हो जाएंगे और वो चमकीला जो गर्भ है वही कमल के रूप में विकसित होगा और उसके ऊपर ही फिर ब्रह्मा जन्म लेंगे। तो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से फिर ब्रह्मा का जन्म होगा। ब्रह्मा को हिरण्य गर्भ इसलिए कहा गया, अभी ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ है, ब्रह्मा का जो मूल रूप है वो हिरण्य गर्भ कहलाया, क्योंकि 23 तत्व वहां पर कहीं प्रभावशाली होकर के परंतु अभी क्रियाशील नहीं है। वे 23 तत्व मिलकर के स्वर्ण के एक अंड के रूप में भगवान की नाभि में विराजमान है, उससे ही ब्रह्मांड कमल और सारा शरीर जो है वो शरीर ब्रह्मांड का जो पूरा शरीर है चतुर्दश भवन वे सब के सब जन्म ग्रहण करेंगे। जब ब्रह्मा का जन्म हो जाएगा तब भगवान ब्रह्मा में शक्ति देंगे, शक्ति देकर के ब्रह्मा दोबारा फिर भगवान के द्वारा की गई सृष्टि को उसको सामने प्रकट कर देंगे। तो ये एक प्रक्रिया है कि पहले कारण समुद्र में श्री शंकरशन भगवान शयन कर रहे थे, शंकरशन भगवान ने 23 तत्वों को प्रकट किया पर 23 तत्व आपस में मिल नहीं पाए, तब भगवान ने शंकरशन भगवान ने ही उन 23 तत्वों में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया मानो आटे में मोमन जीरा राई सब मिला दिए गए और उनको मिला करके पूरा एक जैसे एक बड़ा जो आटे का लोफ है वो कहीं बन गया और उसमें से फिर जब शंकरशन भगवान ने शयन करना चाहा तो योग माया शक्ति ने ही उस सृष्टि के बड़े भारी वो जो खदान थी उस खदान में से थोड़े छोटे से धम्माओं को निकाल करके छोटे छोटे सी लोई बना करके उनको अंत को ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट किया। उन ब्रह्मांडों को प्रकट करने पर श्री शंकरशन भगवान को जब शयन लीला करने की इच्छा आई तो वे ही अनंत रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के भीतर जब प्रवेश कर जाएंगे तो प्रवेश करने पर वो ब्रह्मांड क्रियाशील हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तृतीय स्कंध में वर्णन किया गया कि नो तिष्ठत तदा विराट, विराट अभी उठा नहीं, विराट सोया पड़ा हुआ है, परंतु जैसे ही विराट पुरुष ने उसमें प्रवेश किया वैसे ही सब विराट उदतिष्ठत हो वह उठ करके खड़ा हो गया, जागृत हो गया। अर्थात संकर्षण भगवान के भीतर प्रवेश करने पर उस विराट में क्रियाशीलता आ गई और श्री संकर्षण भगवान प्रद्युम्न के रूप में जो शयन कर रहे थे उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने फिर ब्रह्मा भगवान के द्वारा रची हुई सारी सृष्टि को दोबारा उन्होंने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा केवल माध्यम है, सृष्टि सारी भगवान के द्वारा ही कर दी गई थी। तो आप जगत के कारण होकर के परमात्मा होकर के विराजमान, परमात्मा उसे कहेंगे जिसमें दो गुण हो, सृष्टि पालन संहार करना और साक्षी होना। जब भगवान साक्षी होकर के विराजमान हुए, सृष्टि पालन संहार करने वाले हुए तो ब्रह्मांड प्रकट हो गया। अब ये जो नारायण स्वरूप नहीं सर्वदेही नाम
ब्रह्मा जी कह रहे महाराज आप नारायण नहीं हो क्या, जीव मात्र के आप आत्मा होकर के विराजमान हो, अधीश होकर के विराजमान हो, लोक साक्षी सारे चतुर्दश भुवनों के साक्षी होकर के विराजमान हो, वो आप ही तो हो, ऐसा मत समझिए। अरे वे नारायण तो जल में शयन करते हैं, जल में शयन करने वाला जो नारायण है वो भी आप ही हो, नारायण हो नर, नारायण आपके अंग है, नर भू जलाए नर, पुरुष अवतार के अंग से उत्पन्न होने वाला नर भू जो जल उस गर्म समुद्र में आयना शयन करते हुए विष्णु नारायण विराजमान है, तच्चाप सत्य वे नारायण भी सत्य है, उनको हम असत्य नहीं कहेंगे, वे नारायण भी सत्य है, न तभी माया, वो कोई आप जादू नहीं कर रहे हैं, माया नहीं है, वह आपका स्वरूप ही है, श्री नारायण के वे सभी स्वरूप मन चारों स्वरूप, परम व्योम श्री वैकुंठ, फिर कारण समुद्र में रहने वाले संकर्षण, फिर गर्भ में गर्भ समुद्र में रहने वाले ब्रह्मांड के भीतर स्थित प्रद्युम्न, और फिर जीव मात्र के हृदय में रहने वाले अनिरुद्ध क्षीर समुद्र शाही विष्णु, तो विष्णु को कहा गया क्षीर समुद्र शाही, श्री प्रद्युम्न को कहा गया गर्भ समुद्र शाही, और श्री संकर्षण को कहा गया कारण समुद्र शाही, तो कारण शाही गर्भ शाही और क्षीरोद शाही, ये तीनों आपके ही स्वरूप होकर के विराजमान, और इनके मूल स्वरूप जो परम ब्रह्म नारायण है वो भी आपके ही अभिन्न स्वरूप होकर के तनेक आत्म रूप होकर के विराजमान है। इसी श्लोक का अर्थ कर रहे हैं कि शिशु वत्स हरि ब्रह्मा कौन अपराध, ब्रह्मा कह रहे हैं बोले महाराज मैं तो छोटा सा बालक हूं, जैसे कोई शिशु हो कोई बछड़ा हो वो मां का अपराध करे, कभी कभी तो बछड़ा जो है वो मां के थन को भी काट जाता है, फिर भी मां उसको दूध पिलाती है, गाय हमने देखा मैंने खूब कई बार, तो बछड़ा ज्यादा देर छूट जाए तो वो तो थन को काट जाए उसको, तो शिशु वत्स हरि ब्रह्मा कौन अपराध, छोटा जो बालक है शिशु बस वो बालक हरि ब्रह्मा को ही अपराध, ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूं हे हरि आपका, मैं आपका अपराध करूं, अपराध क्षमाते मागे प्रसाद, मैंने अपराध किया उस अपराध के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं और आपकी कृपा को ही चाह रहा हूं, बालक माँ के स्तन को काट भी जाए अपराध भी कर रहा है, फिर भी माँ बालक को स्तन पान कराना छोड़ती नहीं है, वह बालक का पालन ही करती है, ऐसी तुमार नाम पद्म हरिते अमार जन्मोदय, आपके नाम पद्म से मेरा जन्म हुआ है, तुम ही पिता माता हमी तुमार कम है, तुम मेरे माता पिता हो मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं, पिता माता बाल के नाला अपराध, माता पिता बालक यदि कोई अपराध भी अपराध करता है तो उस अपराध को मन में विचार नहीं करते हैं, अपराध क्षम बोले कर प्रसाद, इसी तरह से आप भी मेरे अपराध को क्षमा करके मेरे ऊपर कृपा करो, बालक माँ के गर्भ में है तब भी लाज चला रहा है, माँ को कष्ट हो रहा है पर मां प्रसन्न होती है अपराध नहीं लेती है, बालक मां के स्तन का पान कर रहा है और स्तन को कभी काट भी जाए तब भी मां उसका अपराध नहीं लेती है, मां पिता उनके ऊपर बालक लात चला रहा है पर बालक माता पिता को उल्टा अच्छा लगता है, बालक की लात छोटी छोटी जो लगती है उसका भी वो आनंद लेते हैं सुख मानते हैं, ऐसे ही अपराध क्षम बोले कर प्रसाद, आप मेरे अपराध को क्षमा करते हुए मेरे ऊपर कृपा करोगे,
कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, बोल मेरे ऊपर क्या बोलता है, अपने बाप के पास में जा, तेरे पिता को नारायण है, नारायण के पास में जा। तो कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, कि तेरे पिता तो नारायण है, आमी गोप तुम्हें केचे अमार नंदन, अरे तू तो देवता होकर के विराजमान है, मैं गोप जाति हूं, तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, देवता कहीं गोप जाति का पुत्र हो सकता है, मैं तो गोप हूं। ब्रह्मा बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा बोले तुम्हें कि ना हो नारायण, क्या तुम नारायण नहीं हो, तुम ही नारायण, शुद्धता कारण तुम नारायण ही हो, इसका कारण सुनो कि प्राकृत अप्राकृत सृष्टि यत जीव रूप तहारी आत्मा तुम ही मूल रूप। प्राकृत अप्राकृत में जितनी भी प्राकृत अप्राकृत सृष्टि है, यत जीव रूप उनमें जितने भी जीव हैं, उन सबकी आत्मा तुम ही होकर के विराजमान हो। प्राकृत अप्राकृत जितनी भी सृष्टि है, माने वैकुंठ के पार्षद और इस त्रिजगत के सारे जीव, वे आपकी ही, वे सारे जीव तहारी आत्मा, उनकी सबकी आत्मा तुम हो। जो वैकुंठ में पहुंच गए हैं उनकी भी आत्मा तुम हो, और जो ब्रह्मांड के भीतर है, माया जगत के भीतर है, उनकी भी आत्मा तुम ही हो। तहारी आत्मा तुम्ही मूल रूप, तुम ही मूल रूप आत्मा होकर के विराजमान हो। पृथ्वी ये छे घटकुले कारण आश्रय, जीवन निदान तुम्ही, तुम्ही सर्वाश्रय। जैसे पृथ्वी ये छे घटकुले कारण आश्रय, घड़ा हो कुले माने घरों का समूह, सारे घर घड़े, तो घड़ा कुल्हार सकोरा इन सबके जैसे पृथ्वी ही एकमात्र आश्रय है, इसी प्रकार जीवन निदान तुम ही सर्वाश्रय। तो जैसे घट आदि सभी वस्तुओं की आश्रय पृथ्वी है, इसी प्रकार जितने भी जीव उन सबों के भी आश्रय आप ही हो। आप नहीं हो तो जीव जीव नहीं कहलाएगा, जीव कहीं टिक नहीं पाएगा, उसका शरीर टिक नहीं पाएगा, जीव के भी आश्रय होकर के आप ही हो। नार शब्द कहे सर्व जीवे निचय, नर माने जीव और उन सारे जीवों के निचय माने समूह, उसको नार कहेंगे, नारायण समूह हो नार। और अयन शब्द कहे तहार आश्रय, अयन शब्द का तात्पर्य है सारे जीवों के परम आश्रय होकर के आप ही विराजमान हो। अर्थात यदि परमात्मा की दृष्टि नहीं है तो जीवात्मा क्रियाशील नहीं होगी, जीवात्मा क्रियाशील नहीं होगी तो शरीर क्रियाशील नहीं होगा। जीवित व्यक्ति उसको कहते हैं जिसमें तीन गुण हो, जो श्वास लेता हो, जो भोजन करता हो और जो अपने जैसी ही दूसरे शरीर को उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो। ये तीन गुण जो है वो जीवित शरीर के हैं, जीवित शरीर में तीन गुण, उत्पादन की सामर्थ्य, श्वास लेने की सामर्थ्य और भोजन करने की सामर्थ्य, भोजन करके शक्ति का संग्रह करना, उत्पादन करना और श्वास लेना। परंतु ये करेगा कब, जब जीवात्मा है, और जीवात्मा कब काम करेगी, बोले जीवात्मा काम करेगी जब परमात्मा उसके साथ में है। तो जीवात्मा की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा क्रियाशील हुई, जीवात्मा की शक्ति से शरीर क्रियाशील हुआ, इसलिए सबके परम आश्रय आप ही होकर के विराजमान हो। तो नार शब्द का अर्थ हुआ जीवों का समूह, नार शब्द कहे सर्व जीवे निचय, निचय माने समूह, और अयन शब्द का तात्पर्य हुआ उनके आश्रय। अतएव तुम्ही हो मूल नारायण, इसलिए हे कृष्ण हे नंदनंदन तुम ही मूल
कारण, ये एक कारण है। अब दूसरा भी एक कारण सुन लो कि तुम ही नारायण हो। जीवे ईश्वर पुरुषादि अवतार तहा सभा है ते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। जीव के ईश्वर कौन है? बोले पुरुष आदि अवतार सभी जीवों के ईश्वर है। अनंत कोटि जो जीव उन सब जीवों के ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर हुए श्री संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरुद्ध। जो पुरुष अवतार है वो पुरुष अवतार तीनों के ईश्वर हुए और उनके भी परम अवतार होकर के कौन हो? आप हो। अतएव अधीश्वर तुम्हें सर्व पिता तो मार शक्ति ते तारा जगत रक्षिता। इसलिए आप ही अधीश्वर होकर के विराजमान हो, आप ही सबके पिता होकर के विराजमान हो। तो मार शक्ति ते तारा जगत रक्षिता। वे संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध ये भी तुम्हारी शक्ति के कारण ही जगत का पालन कर रहे हैं। अर्थात जो पुरुष अवतार है वे तीनों पुरुष अवतारों को अलग नहीं समझना चाहिए, तीनों को पुरुष कहने पर एक ही समझना, संकर्षण समझ लेना चाहिए। तो संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध ये तीन जो पुरुष हैं, संकर्षण है प्रकृति अंतर्यामी, प्रद्युम्न है हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के अंतर्यामी, और क्षीरोदशायी अनुरुद्ध है जीव अंतर्यामी। परंतु अंतर्यामी कहकर के बस सबको एक ही समझ लेना चाहिए, संकर्षण। तो जो संकर्षण है वे भी उनके भी अवतारी तुम ही होकर के विराजमान हो। तो अतएव अधीश्वर तुम ही सर्व पिता, तुम ही अधीश्वर हो, सबके पिता हो। तो मार शक्ति ते तारा जगत रक्षता। ये सब के सब तुम्हारी शक्ति के कारण ही, आपकी महिमा के कारण ही सब उन जगत का पालन करते हैं। नारायण आयन याते करुणा पालन, मनुष्यों के समूह का तुम पालन करने वाले हो, अतः तुम ही मूल नारायण हो। नार माने मनुष्यों का समूह, नर के समूह का नाम है नार। तुम ही सबके आदि कारण होकर के विराजमान हो। तो भगवान के नार होने में एक कारण दिया कि तुम ही प्राकृत अपाकृत जितने भी जीव उनके मूल स्वरूप होकर के विराजमान, जल के भीतर शयन करने वाले होने के कारण आप नारायण हो, जीवों के मूल सारे जीवों के हृदय में विराजमान होने के कारण आप नारायण हो, ये एक कारण दिया। अब दूसरा दे रहे पुरुष अवतार जितने भी हैं उन सबों के भी तुम कारण होकर के विराजमान। जल में शयन करने वाले नारायण, जीवों के हृदय में विराजमान होने वाले पुरुष अवतार उनके भी कारण होने के कारण आप नारायण। अब तृतीय कारण शुभ श्री भगवान अनंत ब्रह्मांड बहुवैकुंठादि धाम यथे यथ जीव तार त्रैकालिक कर्म तहा देखे साक्षी तुम्हें जान सा। तीसरा कारण यह है तुमको जो नारायण कहा गया कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि वैकुंठ धाम भी विराजमान है। तो तृतीय कारण सुश्री भगवान अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम, अनंत ब्रह्मांडों में बहु वैकुंठाधाम, यहां पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। माने परम व्योम वैकुंठ तो एक है, परंतु परम व्योम वैकुंठ के ही अवतार रूप में जो रमा वैकुंठ है वो सभी वैकुंठों ब्रह्मांडों के भीतर भी रमा वैकुंठ अनेक अनेक है। श्री शुभ्र और श्री विकुंठाजी इनके यहां पर भगवान ने कभी वैकुंठ होकर के अवतार धारण किया। विकुंठा मैया के पुत्र होकर के भगवान ने पृथ्वी के ऊपर मतलब ब्रह्मांड के भीतर अवतार धारण किया, इसलिए उनका नाम हुआ वैकुंठ।
उन वैकुंठ भगवान का की शक्ति है श्री रमा देवी। रमा देवी ने कहा कि महाराज आप मेरे लिए ब्रह्मांड के भीतर भी कोई वैकुंठ की रचना करो। उस समय श्री रमा देवी की प्रार्थना से भगवान ने रमा वैकुंठ की रचना की। इसलिए सभी ब्रह्मांडों में रमा वैकुंठ है। उन रमा वैकुंठों में कभी कभी अनधिकारी व्यक्तियों का भी प्रवेश हो जाता है। उससे वैकुंठ वासियों को तो अद्भुत रूप से एक मनोरंजन हो जाता है। जैसे अब तो आना बंद हो गया, जैसे शहर में कभी कोई सर्कस आ जाए तो सर्कस के जीव जंतुओं को देख करके शेर भालू इनको देख करके जो नगरवासी है उनको भी एक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही कभी रमा वैकुंठ में अनधिकारी जनों का भी प्रवेश हो जाए तो वैकुंठ वासियों को एक मनोरंजन हो जाता है। और वहां पर कभी कभी टिकट लेकर के उस जू के भीतर या उस सर्कस के भीतर कोई दूसरा एंट्री भी कर सकता है। अनधिकारी व्यक्ति भी वहां पर प्रवेश कर सकता है, टिकट लेकर के वो जा सकता है। ऐसे कभी कभी रमा वैकुंठ में भस्मासुर जैसे प्रकाशुर जैसे असुर जन भी प्रवेश कर जाए, हिरण्यकश्यप जैसे जन भी दिग्विजय करने के लिए जाए और रमा वैकुंठ में प्रवेश कर जाए, भगवान अंतर्धान हो जाए और हिरण्यकश्यप को ये मन में विचार करे ओ मेरा पराक्रम देखो, विष्णु भी वैकुंठ छोड़ करके भाग गया, मैं स्वर्ग विजयी हूं, ये वो अभिमान धारण करके विराजमान हो जाए। ऐसा तो अनंत वैकुंठ विराजमान है, उनमें अनंत अनंत जीव उनके तुम साक्षी होकर के विराजमान हो। तोमार दर्शन जगते स्थिति तोमार ना देखी ने कारो नाही स्थिति गति। आप क्योंकि सबके भीतर विद्यमान है इसलिए जगत की स्थिति है, तुम यदि नहीं रहोगे तो किसी की गति और स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए नारेर आयन जाते कर दर्शन, तुम सभी जीवों के साक्षी होकर के विराजमान हो इसलिए हम तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। ताते हो तुम ही मूल नारायण, इसलिए तुम ही मूल नारायण हो। तो नारायण कहने के लिए तीन तर्क दिए। पहला तर्क दिया कि नर